हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर हम पढ़ाई करते हैं लेकिन हम चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हमारे माइंड में चीज़ें नहीं रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें दूर कैसे करें। तो मैंने इसी पर आपके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली मैं आपके लिए, तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू बेसिकली इफ़ यू आर स्टूडेंट। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसको एक्चुअली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं फिर भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर मैं 100 स्टूडेंट लेता हूं तो उसमें से 80% स्टूडेंट का कहना यही होता है कि जो है अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये हमारे सोचने की जो क्षमता है, जो पावर है सोचने की, उसका अलग तरीके से हम उसका यूज कर नहीं पाते हैं अच्छे से, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ठीक है। देखिए जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम उस चीज़ को क्या करें, कंसंट्रेट होके पढ़ें, बहुत ही फोकस करना है तब हमने पढ़ना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैं जैसे कि आपको हमेशा बताता हूँ बच्चों, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में हमें पहले सारी चीज़ें समझनी है कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके टाइप्स वगैरह वगैरह, मतलब उसके चारों तरफ की चीज़ें आपको समझनी है अच्छे से, ओके। दूसरी बात, हम बुक्स या फिर हम जब पढ़ाई करने स्टडी करने बैठते हैं, हमारे पास 24 आवर्स हैं इन अ डे, ओके। हम मैक्सिमम, आपको मालूम है, हम आप ठीक है कितना टाइम पढ़ते हैं बताइए, 3-4 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर 1-2 घंटा पढ़ते हैं अगर हम छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर बैठते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस 1 घंटा या 2 घंटे में बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका जो है स्टडी पे फोकस होना चाहिए, 100% आपका कंसंट्रेशन स्टडी पे होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिस टाइम हम उस टॉपिक को पढ़ रहे होते, सारी चीज़ें उसके चारों ओर की चीज़ें मैंने आपको बताया है कि टॉपिक क्या है, क्यों टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कहाँ पर यूज हो सकता है, एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसकी हमने अच्छे से सीखनी है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें उस टॉपिक को जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए या फिर आप अपने माइंड में सोचिए, ठीक है, टॉपिक में हमने आंखें बंद करके, ये सबसे अच्छा आपका तरीका है, आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट, ठीक है, और सोचिए कि आपने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉपिक की जो मेन पॉइंट है उनको आपको याद करना है कि हाँ इसके बाद ये चीज़ें थी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस टाइम पे आपका वो रिवाइज हो जाता है एक बार, ठीक है। फिर आप उसी टॉपिक को थोड़ी देर बाद, आप उसके बाद पढ़ेंगे तो नहीं रेगुलरली, तो आप बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, इवन आप कोई टीवी देख रहे हैं, कोई आपका घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कोशिश करिए, आप रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपको वो चीज़ कहीं पर हो सकता है आप अटकें, हो सकता है 1-2 पॉइंट आपको समझ में आए, फिर 1-2 पॉइंट आप भूल जाते हैं, तो आप तुरंत क्या करिए, या तो आप नोट्स बना के रखिए अपने पास, नोटबुक रखिए अपने पास, या फिर बुक में आप जाके देख सकते हैं तुरंत कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, उसी टाइम आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको वहाँ पर जो प्रॉब्लम, जहाँ पर आप अटक रहे थे, जहाँ पर आप भूल रहे थे, वो चीज़ें आपको रिवाइज होने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप चीज़ें नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक छोटा सा फंडा है बच्चों कि आप जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली जो आपका भूलना है, मेमोराइज करने की जो आपकी पावर है, आप कहते हैं बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम भी होती है कि पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम केवल जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप 100% इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, आप ये करके ज़रूर देखें, ठीक है। और इसके साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में ये कहते रहता हूँ और कहूँगा भी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका मतलब समझिए, अ ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन आप समझिए, ठीक है। आप पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं, नाम दौलत वगैरह कमाएं, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। बेसिकली लाइफ को सुइटेबल बनाने के लिए, लाइफ को हैप्पीनेस से भरने के लिए लाइफ को हम पढ़ाई करते हैं, जिससे आप सबकी लाइफ तो अच्छी होगी ही, आपके चारों ओर जितने लोग हैं
उनकी लाइफ को भी अगर हम अच्छा करने में अपना योगदान दें, यही एक ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, जिसकी आजकल जो रिसेंट का आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें देखने को थोड़ा सा कम मिलता है। बेसिकली आपका जो एजुकेशन है उसमें आप देखेंगे कि उसमें बेसिकली बच्चे को फर्स्ट आना ही सिखाया जाता है मैक्सिमम टाइम पे, लेकिन बहुत ऐसे भी एजुकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारी चीज़ों का जो है डेवलपमेंट कराया जाता है स्टूडेंट का, राइट। तो आपको ये ज़रूर समझना है बच्चों कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, ठीक है। तो वो फिर से एक बार और मैं आपको रिवाइज करा दूँ उस चीज़ के बारे में कि आपने पढ़ाई क्यों करनी है, ठीक है। आपने पढ़ाई इसलिए करनी है बच्चों क्योंकि आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं, अपने साथ साथ आप 10 लोगों के चेहरे पर हंसी ला सके, खुशी ला सके, 10 लोगों के लिए आप भगवान का रूप हो, इसलिए आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, जो नीडी पीपल होते हैं उनके लिए आपको पढ़ाई करनी है ताकि उनके जीवन को आप संवार पाए, अच्छे से आगे ले जा पाए, ठीक है बच्चों। इसलिए मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। अभी आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना है, अच्छे विचार के साथ अच्छा पॉजिटिव आपका माइंड सेट होना चाहिए, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपको अपने एम में सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल पर और टाइम टाइम पर आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें और शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।